गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जो बाकी का चैप्टर रह गया है उसको हम वापस से स्टार्ट करते हैं। सविता बोली, इस सुंदर संसार को ईश्वर ने बनाया है, उसी ने हमें और तुम्हें भी बनाया है। रवि बोला, दीदी पर ईश्वर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? सविता ने कहा, वहाँ इन फूलों में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, नदी तालाब में, सभी जगह ईश्वर दिखाई पड़ रहा है। तभी सविता ने पूरब की ओर दाहिना हाथ उठाकर रवि से कहा, देखो उधर, वहाँ लाल लाल गोला दहकते हुए अंगारों के समान सूरज निकल रहा है। रवि ने कहा, दीदी उधर तो सारा आकाश पीला पीला दिखाई पड़ रहा है। हाँ, यह सूरज की लाली आकाश में छाई है, सविता बोली। तभी उस रात के सपने जैसी रंग बिरंगी एक तितली उड़ती दिखाई पड़ी, तो कुछ आगे जाकर एक फूल पर बैठ गई। सविता बोली, अरे यह तो रात वाली तितली है। यह कहकर उसे पकड़ने दौड़ी, पर यह कहा क्या, पास पहुँचते ही रंग बिरंगी पंख वाली तितली आगे आकाश में उड़ती चली गई। सूरज ऊपर चढ़ आया, दोनों की ओर लौट पड़े। शेर करने में उन्हें बड़ा आनंद आया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हर जगह हर चीज़ में मौजूद है और हर जगह निवास करता है। अब हम अपने प्रश्न उत्तर पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सविता ने स्वप्न में क्या देखा? सविता ने स्वप्न में क्या देखा? तो इसका आंसर है, सविता एक रंग बिरंगी तितली पकड़ने दौड़ रही थी। स्वप्न में सविता ने देखा कि सविता एक रंग बिरंगी तितली पकड़ने दौड़ रही थी। दूसरा क्वेश्चन है, माँ ने शोच से निवृत्त होकर क्या साफ करने को कहा? इसका आंसर है, माँ ने शोच से निवृत्त होकर दांत साफ करने को कहा। थर्ड है, इस सुंदर संसार को बनाने वाला कौन है? इसका आंसर है, इस सुंदर संसार को बनाने वाला ईश्वर है। सूरज सवेरे किस दिशा में निकल रहा है? सूरज सवेरे किस दिशा से निकल रहा है? तो सूरज पूरब दिशा से निकल रहा है। इसका आंसर है, सूरज पूरब दिशा से निकल रहा है। ठीक है, आप सभी इसको याद करना, अच्छी तरह कॉपी में करना, और अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।